अलग अलग फ़ोन में अलग अलग एंड्रॉयड वर्सन में सेटिंग्स अलग होता है, तो मैं आपको दो फ़ोन में करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो। पहले आपको अपना फ़ोन में सेटिंग्स ऑन कर लेना है, देन आपको ढूंढना है सिक्योरिटी, देन सिक्योरिटी में टच करना है, देन आपको ओनर इन्फो मिलेगा। ओनर इन्फो में जाके सो ओनर इन्फो ऑन लॉक स्क्रीन इसको इनेबल कर देना है, देन आपको आपका नाम टाइप कर देना है या फिर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देन आपको अगर कोई सेव का ऑप्शन दिखेगा तो आपको सेव कर लेना है या फिर आपको बैक कर देना है, ये अपने आप सेव हो जाएगा। अभी मैं एक दूसरा फ़ोन में दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फ़ोन का सेटिंग इंटरफेस बहुत ही अलग है। तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी टैब में जाना है। तो सिक्योरिटी टैब में आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन का कोई पैनल यहाँ पे है नहीं, नीचे आपको एक लॉक स्क्रीन का लिंक दिख रहा है। ये लॉक स्क्रीन मुझे ये बाहर भी मिल जाएगा, तो ये लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है। इसके अंदर भी आपको ओनर इन्फो नाम का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ये लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट नाम का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो इसके अंदर लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक करना है। देन अगर आप पहले से इसको ऑन ना किया हो तो ये ऑन नहीं रहेगा, ये ऑफ रहेगा, इसको आपको ऑन कर देना है। देन यहाँ पे आप अपना नाम या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, देन इसको ओके कर देना है।